कोविड-19 को लेके डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी हमने तैयारियां की हैं। 14 तारीख से ही हमने इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया था, सेक्शन 144 हमने लागू कर दिया है और जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो बैन की हैं। दुकानों के लिए हमने स्पेशल ऑर्डर्स इशू किए हैं क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ और मेडिसिंस जो हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए ख़ास अरेंजमेंट्स हम करवा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ताकीद हम यही कर रहे हैं लोगों से यहाँ पे कि अपने घरों में रहें, क्योंकि स्प्रेड को रोकने का एक बेस्ट तरीका यही है कि अपने घर के बाहर ना निकला जाए। और सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए भी हमने बहुत सारे पोस्टर्स और बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन, जिसको हम कह सकते हैं, वो चला रहे हैं। सरपंचों को भी हमने इन्वॉल्व किया है और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन्स को भी हमने इन्वॉल्व किया है ताकि दूर दराज गाँव में भी लोगों को ये मैसेज पहुंच जाए कि कोविड-19 के वजह से घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम और जो आंगनवाड़ी पोषण दिया जाता है और उनके लिए हम स्पेशल टीम्स बना रहे हैं ताकि ये अब होम डिलीवर हो जाए बेनिफिशरीज़ को। और राशन का सरकार ने अभी हाल ही में ऑर्डर किया है कि 2 महीने का राशन जो है और वो सबको देना है, और उसके लिए भी हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है और उसमें भी होम डिलीवरी का एक मैकेनिज़्म इवॉल्व किया जा रहा है रामबन में ताकि लोगों को अनाज की तरफ से कोई परेशानी ना फील करें। क्लासेस का हम बात करें तो कम्बल तरीके से स्कूल्स को हमने बंद कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का हमने एक सिस्टम यहाँ पे रामबन में शुरू किया है। लेक्चरर्स को हमने रोप इन किया, जो लेक्चर्स दे रहे हैं उनका एक शेड्यूल बनाया गया है और यूट्यूब और लोकल टीवी चैनल्स के ज़रिए उनको क्लासेस दिला रहे हैं ताकि बच्चे घर बैठ के ही अपनी क्लासेस अटेंड कर सकें और ई लर्निंग का सिस्टम यहाँ पर इवॉल्व हो जाए। इसके अलावा हाल ही में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो बात निकली है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं तो हम बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ हम रब्ता बनाए रखे हैं, हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा कॉन्टैक्ट पॉजिटिव पाया गया है, तो उसकी फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और ये सब को लेके पुलिस के ज़रिए हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और जो जो लोग हमें मिल रहे हैं उनको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो डेवलप की हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कई होटल्स हैं बानेहाल, बटोत, रामबन, गूल, ऐसी जगहों पे हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बना दी हैं और लोगों को 14 डेज़ का क्वारंटीन, जो जिस तरह की मैंडेटेड है, हम उनको जो भी ट्रैवल हिस्ट्री, जिनकी हमारे कंट्री से बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रख रहे हैं और अगर कोई सिम्टम्स दिखाता है उसको इमीडिएटली हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जो कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी डिक्लेयर की गई है, वहाँ पे शिफ्ट करके टेस्ट कराते हैं। सो फार रामबन हैज़ नॉट हैड एनी पॉजिटिव केस, सो वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली एंड वी आर होपिंग दैट वी डू नॉट गेट इनटू एनी पॉजिटिव केस एंड होपफुली थिंग्स विल रिमेन काम। लोगों से हमने अपील की थी और लोगों ने खुद बहुत अच्छा ताबुन दिया है रामबन के लोगों की, मैं प्रशंसा करता हूँ, बिकॉज उन्होंने खुद, नवरात्रे थे रिसेंटली, एक रिलीजियस इवेंट था जिसमें गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती थी और उसके बाद शबे महराज का एक इवेंट आया था जिसमें रात को लोग मस्जिद में जाते थे और फ्राइडे प्रेयर्स, जैसे कि आज फ्राइडे है, तो इनको लेके लोगों ने खुद कदम उठाए हैं और उन्होंने कोई भी गैदरिंग नहीं की है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जनता का कि उन्होंने कोविड-19 को लेके जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमने मुवाद चलाया है यहाँ पे, उसको उसने बताया।